हमारे सीडीएस को देखिए, उनके शौर्य को देखिए। उन्होंने बार बार कहा है कि हिंदुस्तान हर फ्रंट में जवाब देने के लिए तैयार है और हमेशा हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और दिया भी है। और दूसरी तरफ उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देखिए, पैर कांप रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं। राहुल जी, आप पैर कांपने वालों के साथ क्यों हैं, पसीने छूटने वालों के साथ क्यों हैं? आप उनके साथ क्यों नहीं हैं जिनके पांव जमे हुए हैं? के बगैर बुलाए मेहमान के तौर पर दावत खाने और जन्मदिन मनाने पाकिस्तान मनमोहन सिंह जी नहीं गए 10 साल, नरेंद्र मोदी जी गए थे और उसका रिटर्न गिफ्ट हमें मिला था पठानकोट का उग्रवादी हमला। और ये भी याद करिए, पठानकोट एयरबेस की जांच के लिए आईएसआई, जो उग्रवादियों की पोषक है और हिंदुस्तान में उग्रवादी भेजती है, उसे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान से बुलाकर लाए थे। और ये भी याद रखिए कि मौलाना मसूद अजहर नाम के उग्रवादी को, जो हजारों हिंदुस्तानियों का जिसने कत्ल किया और जो 26/11 का दोषी है, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान छोड़कर आए थे। इसलिए उलझुल बात करने से पहले पाकिस्तान प्रस्त भाजपा की वास्तविकता जान लें। अगर मैं पाकिस्तान का कोच बना तो बिल्कुल बताऊंगा, अभी तो अभी क्या बताऊंगा। जब कंगना फिल्म में होती है तो कितने लोगों को दिक्कत होती है, ये आप खुद नोटिस कीजिए। मैं आपके तरह किताबें पढ़ के नहीं आता हूँ, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी महसूस करके।